नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहारी पर। बिहारी ग्वालियर के थे, लेकिन जयपुर राजघराने से उनका सरोकार था और वे जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई में उन्होंने लिखा भी है कि हुकम पाई जयसाई को हरी राधिका प्रसाद, कही बिहारी सत सही भरे अनेक स्वाद। जो ये प्रतिपादित करते हैं, किसी भी कवि के संदर्भ में जब हम उसका जीवन वृत्त तैयार करते हैं तो दो साक्ष्य हमारे सामने होते हैं, एक अंत साक्ष्य और एक बाह्य साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत हम वो चीज़ें रखते हैं जो कवि के संदर्भ में उनके समकालीन कवियों ने की है, और अंत साक्ष्य के अंतर्गत वो बातें सम्मिलित हैं, वो तथ्य सम्मिलित हैं जो कवि अपने विषय में लिखता है। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के वे दरबारी रचनाकार थे, और ये दोहा भी बड़ा प्रसिद्ध है कि ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास ही काल, अली कली शो बंध्यो आगे कौन हवाल। और इस दोहे का जो असर है, उस असर की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है वो जयपुर के राजमहल में आज भी चित्रित रूप में विद्यमान है। तो बिहारी के संदर्भ में बिहारी के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि होने के बहुत सारे साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो हमारे पास उपलब्ध है। रीतिकाल 1700 से 1900 संवत के बीच का काल था, जिसे साहित्य में मध्यकाल के नाम से नाम दिया गया। और मध्यकाल भी दो तरह का, पूर्व मध्यकाल जिसके अंतर्गत हम भक्तिकाल को रखते हैं, और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत हम रीतिकाल को रखते हैं। उत्तर मध्यकाल से हमारा आशय सामंती परिवेश से है, और रीतिकाल के संदर्भ में उसका जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, विशेषता है, वो विशेषता भी क्या है कि सामंती अभिरुचि और दरबारी संस्कृति। और इसीलिए जितने भी कवि हैं रीतिकाल के, वो किसी न किसी दरबार से जुड़े हुए हैं, उनकी जीविका का साधन दरबार है, और ये कविता के सौदागर हैं। और इसीलिए ठाकुर ने कहा भी है कि ढेलो सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोग है कवित करनो खेल करी जानो है। या रीतिकाल के संदर्भ में ये तथ्य प्रचलित है कि मनुज रूप है अवतरियो तीन वस्तु को जोग, दर्व उपार्जन हरि भजन अरु कामिनी संग भोग। और रीतिकाल के संदर्भ में ही हम उसका मोटो या आदर्श वाक्य ये भी कह सकते हैं कि आगे के सुकवि रिजई है तो कविता ही है, नहीं तो राधिका हरि सुमरिन को बहानो है। तो संपूर्ण रीतिकाल में हम देखते हैं कि ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, जो भक्तिकाल में जो देवी और देवता थे वो रीतिकाल में आकर के साधारण नायक और नायिका के रूप में उनको परिकल्पित कर दिया गया है। तो रीतिकाल का सामंती परिवेश है वो दोहरी मानसिकता पर आधारित था। और ये दोहरी मानसिकता क्या थी कि इस काल के सामंत अथवा राजा मुगल दरबार के दरबारी थे। जब उन्होंने स्वतंत्रता राज्य स्थापित किया तो इनके जो राजाश्रित कवि अथवा दरबारी रचनाकार थे वो भी दोहरे दरबारी रचनाकार कहलाए, तथा यह मानसिकता दोहरी दरबारी मानसिकता कहलाई। उत्तरवर्ती मुगल शासक विलासी थे, सुरा और सुंदरी के आसक्त थे, और रीतिकालीन दरबारी कवि हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो कविता के सौदागर हैं, और अर्थशास्त्र का सिद्धांत मांग और पूर्ति, बिकता वही है जिसकी मांग होती है। और रीतिकालीन दरबारी कवि मुगल दरबार की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने आश्रयदाताओं को उर्दू के शेरों के समानांतर फड़कते हुए फुटकल दोहों और पदों से खुश करने का प्रयास करते हुए हमें नजर आते हैं। बिहारी इसी परंपरा के कवि हम उनको कह सकते हैं। बिहारी ने अपनी रचनाओं का माध्यम मुक्तकों को बनाया। मुक्तक एक विधा है, इसके विपरीत जो विधा है हम जानते हैं उसका नाम प्रबंध है। मुक्तक अपने आप में उसका प्रत्येक पद है
वो पद अपने आप में एक अर्थ का द्योतक होता है, उनमें पूर्वापर संबंध हो भी सकता है और न भी हो, तो एक दोहा ही अपने आप में पूर्ण अर्थ का द्योतक है। आचार्य शुक्ल ने प्रबंध को विस्तृत वनस्थली कहा है, जबकि मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। प्रबंध एक व्यापक विधा है, जबकि मुक्तक सीमित भावों के लिए एक संक्षिप्त विधा। प्रबंध में कथात्मकता होती है, यानी कथा, और इसे प्रबंध इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कथा क्रम के बीच एक निश्चित निर्वाह होता है, कथा आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसके विपरीत मुक्तक में यत्र तत्र बिखरे हुए भावों को समेटने वाली विधा हम मुक्तक को कह सकते हैं, और इसमें कथात्मकता के स्थान पर मुक्तक में वैचारिकता की प्रधानता होती है। और प्रबंध तो हम जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उनका एक ध्येय होता है, एक निश्चित कथाक्रम होती है, कोई धीरोदात नायक उसमें रहता है और उस नायक से जुड़ी हुई, उसके जीवन से जुड़ी हुई जो समग्र कथा होती है वो प्रबंध में हमें दिखाई देती है। और प्रबंध की भी दो स्वतंत्र विधाएं होती हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य भी हम कह सकते हैं। महाकाव्य समग्र जीवन की महागाथा है, इसके विपरीत खंडकाव्य जीवन के किसी विशेष खंड की क्रमागत व्यवस्था है। रीतिकाल के सर्व प्रमुख कवि बिहारी, जिनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है, या उनके दोहों के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। विशेष तौर से श्लेष अलंकार के चमत्कार के माध्यम से एक ही दोहे में अनेक अर्थों को भर देने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य केवल बिहारी के पास ही था, और इसीलिए उनके बिहारी सत्सी ग्रंथ की बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से उनके दोहों की व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर हम उनका पहला दोहा ही देखें कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, यहाँ श्लेष अलंकार के चमत्कार के माध्यम से कवि इस एक दोहे के सामान्य अर्थ के अतिरिक्त तीन अलग अलग अर्थ भी ग्रहण करता है। और जैसा मैंने कहा कि गागर में सागर भरना, जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुनु में कर तु है नैनन ही शोभा, एक ही छोटे से दोहा सबसे छोटा छंद माना जाता है, और एक छोटे से दोहे में इतने सारे क्रिया व्यापारों को भर देने का सामर्थ्य बिहारी जैसे कवि के लिए ही संभव था। तो बिहारी सतसई मुक्तक विधा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, और ये जो मुक्तक विधा है बिहारी सतसई की, ये दरबारी संस्कृति के या दरबारी परिवेश के ही अनुकूल रही है। शासकों, सामंतों, राजाओं को खुश करने के लिए और उनकी तृष्णा को शांत करने के लिए बिहारी ने नायिका भेद, जो रीतिकाल में हम देखते हैं, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अंग शोभा, वेशभूषा, इस चित्रण को ध्यान में रखते हुए दोहे रचे हैं। नायिका रीतिकाल का सामंती, या नायिका या रीतिकाल का जो सामंती परिवेश है वो बहु पत्नीत्व और बहु प्रेषित्व की परंपरा पर आधारित था। शासकों और सामंतों के लिए नारी मात्र भोग की वस्तु थी, ऐसे में उन्हें अलग अलग नायिकाओं को रसास्वादन का उद्देश्य लेकर बिहारी ने नायिका भेदी दृष्टिकोण का परिचय दिया था। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, कल हम इसको जारी रखेंगे और कल इस टॉपिक को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।